मौजूदा गर्मी का जिस तरीके से एक कहर बरपा रहा है, उम्मीद से परे कोई भी चीजें अचानक आती है तो कई समस्याएं उत्पन्न होती है। अब कोरोना को ही लेके देख लीजिए, अचानक आया कितनी अस्त-व्यस्त हुई, पूरे देश पूरा दुनिया अस्त-व्यस्त हुआ। चाहे आप कितनी भी तैयारी करें, अचानक कभी कभी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है जहां ये समस्या सबको झेलना पड़ता है। आज मैं सिर्फ ही नहीं बल्कि लगातार इस चीज पर नजर रखता हूँ, यहाँ भी समस्या है और भी राज्यों में समस्या है। मशीनें वर्तमान वातावरण में बहुत लोड लेके चल नहीं पा रहा, उसको भी समय, उसको भी रेस्ट देने की जरूरत पड़ती है। नहीं तो जो दो घंटे का समस्या होता है, अगर हम प्लांटों के साथ जोर जबरदस्ती करते हैं तो महीनों की समस्या हो। ये तो तकनीकी विषय है। और जहां तक बिजली की उपलब्धता है, वो भी पूरे देश में कमी है। आप बाजार में भी बिजली की खरीद नहीं कर पाते हैं क्राइसिस की वजह से। इसलिए हम लोगों ने आज विभाग को और अतिरिक्त पैसे उपलब्ध करा दिए हैं, ताकि पहले से ही जो कंपटीशन का बिजली खरीद में है, उसे पहले हिस्सा लेकर अपनी आपूर्ति पूरी करें। और मुझे लगता है ये समस्या का समाधान काफी हद तक समाधान। सर रेट भी क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा ले रही है झारखंड गवर्नमेंट से, मतलब ज्यादा कीमत पे बिजली दे रही है? देखिए कई विषय हैं, अब उन सब विषयों पर विभाग बहुत विस्तृत रूप से बता सकता है आपको। अगर आप देखें कहीं 12 रुपया है तो कभी कभी तो 20 रुपये तक भी सरकार ने खरीदा है, और कभी कभी बिजली खरीद कर उसका उपयोगिता भी नहीं होती है तो वो भी वेस्टेज ऑफ मनी। इन सब चीजों को बैलेंस बनाने के लिए और इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए चीजें आगे बढ़ती हैं। और अभी वर्तमान डिमांड के तहत रात में अचानक डिमांड बढ़ जाता है, दिन में डिमांड घट जाती है, पता चला कि किसी समय में अचानक डिमांड बढ़ जाती है। ये बहुत थोड़ा फ्लक्चुएटेड स्थिति है आज के गर्मी के वक्त में, और इस विषय पर विभाग ने चारों तरफ बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए काम प्रारंभ किया।